वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबिया बादा अम्मा बादु फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم فيها نعيدكم ومنها نخرجكم तारतन उखरा। मुहिबे रमजान हुआ पारा पारा अलवदा महरम जान अलवदा महरम जान तेरे आने से दिल खुश हुआ था और जो के इबादत बड़ा था और जो के इबादत बड़ा था और अब दिल पे है गम का गलबा अलवदा अलवदा माहे रमजान अलवदा 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 माहे रम तेरे दीवाने अब रो रहे हैं मुज़तरिब सब के सब हो रहे हैं मुज़तरिब सब के सब हो रहे हैं कौन देगा इन्हें अब दलासा अलवदा अलवदा माहे रमजान और जब गुजर जाएंगे माह ग्यारह जब गुजर जाएंगे महीने ग्यारह तेरी आमद का फिर छोर होगा पर क्या पता मेरी जिंदगी का अलवदा अलवदा माहे रमजान। मुख्तसर हमदो सना तो बात मोहतरम दोस्तों भाइयों शाकर साहब मुख्तसर हमदो सनात बाद
हजरात कुछ दिन पहले एक महीना पहले असि कह रहे सा कि रमजान आने वाला है, रमजान आने वाला है। हुण हर बंदा कह रहा है कि रमजान जान वाला है। असि कहने पता ही नहीं चलिया रमजान किस वेले गुजर गया है। कल चन्न चढ़िया, अज ईद होने वाली है। मोहतरम दोस्तों, यही मिसाल मेरी और तुहाडी जिंदगी दी है। कल इंसान पैदा होता है, पता नहीं चलता किस तरह जवान हो जाता है, पता नहीं किस तरह वडेरा हो जाता है, उसकी जिंदगी का तमाम हो जाता है। हजरात फिर क्यों ना असी अपनी आखरत की तैयारी करिए। उस दिन वास्ते असी साजो समान इकट्ठा करिए जिस दिन सानू कबर दे अंदर उतारा जाना है, जिस दिन अल्लाह दे हजूर पेश होना है। वो बहुत ही लंबा और कठिन सफर है। उस सफर वास्ते असी तैयारी करनी सानू चाहिए। रमजान उल मुबारक का महीना जिवें आया उंजी चला गया। यकीनी बात है, बहुत ही दुख और अफसोस वाली बात है कि रमजान उल मुबारक का महीना जिस तरह आया उसी तरह चला गया है। ना क्यामुल लैल, ना रोजे और ना नमाजा पढ़िया। हजरात जिंदगी का पता कोई नहीं किस वेले जिंदगी दी शाम हो जाए। किते ओ ना होए अल्लाह नू नाराज कीता होए ते साड़ी मेरी तुहाडी जिंदगी दी शाम हो जाए। हजरात मौत एक ऐसा प्याला है जेड़ा हर एक इंसान नू पी के रहना है। इस दुनिया एक कायनात दे ऊपर बड़े बड़े नाम आए, इस दुनिया तो चले गए। मौत नबिया नू आई, मौत वलिया नू आई, मौत पीरा नू आई, मौत फकीरा नू आई, मौत रसूला नू आई, मौत पैगंबरा नू आई, मौत सहाबिया नू आई, मौत ताबिया नू आई, मौत वहाबिया नू आई, देवबंदिया नू आई, शिया नू आई, मरजिया नू आई। हजरात इस दुनिया कायनात के उपर बड़े बड़े नामवर लोग आए। अपने आप नू खुदा कहने वाला नमरूद आया, जलीलो खवार होके चला गया। अपने आप नू खुदाई दा दावा करने वाला फिरौन आया, नेस्तो नबूद हो गया। हजरात अगर नबी नहीं रहे तो रहना असी भी कोई नहीं। क्यों ना असी अपनी आखरत की तैयारी करिए। बिला तमहीद, बिला तमहीद मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहना है। इंशाल्लाह बयान ते मेरे तो बाद होंगे। मैं ते तुहाडा नौकर, तुहाडा वीर। यकीनी बात है मेरे ते अल्लाह पाक की बड़ी रहमत है कि अल्लाह पाक ने मैनू तुहाडा नौकर बनाया है। मैं तुहाडा भी नौकर, तुहाडे बच्चियां दा भी नौकर हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैनू फखर महसूस हुंदा है। और मेरे तो बाद इंशाल्लाह मुदल्लल और मुफस्सल खिताब होंगे इंशाल्लाह। कारी अदनान समी साहब, अब्दुल वाजिद सलफी साहब और अजीम मजहबी सकालर भाई राणा जवेद साहब का इंशाल्लाह खिताब होएगा। तो मैं तुहानू सबक सुनाना चाहना है। दुआ करो अल्लाह पाक मैनू हक और सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। अजीजा ने मन आ मेरे मुसलमान वीरा, अल्लाह दा कुरान सुनदा जा नाम। अल्लाह फरमांदे ने आ मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद। ना 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 वीर मेरे वल वेखो, जिन्ने बैठे हो मेरे वल ध्यान करो। सोने नबी दा नाम आया है, सुचे ते सुचे ते उच्चे नबी दा नाम आया है। मैं क्यों ना तुहाडा ज़ोक ताज़ा करदा जाना। अल्लाहु अकबर, अल्लाह के सोना जग ते शाह उमम आया, के सोना जग ते शाह उमम आया, वंडन दुखिया दे गम माया। यकीनी बात है इत्थे खतीब लाइए ना ते ऐ शेर सुना ते 1500 दे नोट देई दे ने ते मैं फ्री सुना रहा, तुसीं सुनदे नहीं पे यार। सुभान अल्लाह क्या करो। के सोना जग ते शाह उमम आया, के सोना
जग ते शाह मम माया वंडन दुखिया दे गम माया। इन्हां दे 50 रुपए भी मेरे वास्ते 50 लाख। अब्दुल्ला दा कोई चैन चुमे कोई जुल्फ चुमे कोई नैन चुमे कोई जुल्फ चुमे कोई नैन चुमे चुमन जिबरील कदम माया ओ चुमन जिबरील कदम माया वंडन दुखिया दे गम माया। जगते सरदार ओ आया है जिंदी कुल कायनात रियाया है जिंदी कुल कायनात रियाया है बन उम्मत दा हाकिम माया बन उम्मत दा हाकिम माया वंडन दुखिया दे गम माया। इंतहाई तवज्जो तलब जुमला है जिंदा कब्रा विच पैंदी असी आका आए बेटियां कहंदी असी आका आए ते बेटियां कहंदी असी कि तेरा आवना साडे कम माया वंडन दुखिया दे गम माया। अल्लाहु अकबर अल्लाह मेरे नबी दी शान पाक दे उते नाजल होन वाला अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है। अल्लाह फरमांदे ने मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह वीर सोने अल्लाह दे कुरान दी दावत की है सोने नबी दी दावत की है मैं केड़ी दावत तेरे को लेके आया है। अल्लाह फरमांदे ने मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह फरमांदे ने बंदिया इसे ही मिट्टी दे विचों पैदा होया है इसे ही मिट्टी दे विच तू चला जाना है। अल्लाह अकबर अल्लाह वीर सोनिया तेरी ते मेरी औकात मिट्टी तेरी ते मेरी औकात मिट्टी है ना। अल्लाह अकबर अल्लाह तीन हरफ तेरी औकात तीन हरफ मेरी औकात एवें दुनिया ते मैं करी फिरना है कादा गुरूर ते तकबर पिया करना है कादी अना लिया फिरना है। अल्लाह फरमांदे ने मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुई दुकुम तीन हरफ तेरी औकात तीन हरफ मेरी औकात कबर दे हरूफ भी तीन ने हशर दे हरूफ भी तीन ने नाबे वाला कफन दे हरूफ भी तीन ने दफन दे हरूफ भी तीन ने मैयत दे हरूफ भी तीन ने वीर सोनिया तीन हरफ तेरी ते मेरी औकात। अल्लाहु अकबर अल्लाह दुआ करया कर अल्लाह पाक तेरा मेरा खात्मा बिली मान फरमा दे दुआ करया कर अल्लाह पाक सानू कबर अल्लाह पाक कबर दिया मंजला तेरिया मेरिया आसान फरमा दे। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह फरमांदे ने मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह वीर सोनिया जदों तेनू मैनू मौत आ जानी है मौत दा मंजर किवें दा होवेगा मौत दा मंजर वीर सोनिया किवें दा होवेगा थोड़ा जिहा मंजर तुहाडे सामने मैं बयान करना चाहना है। कदी दिल ला के तू सुन लवे तेरी दुनिया बदल जावे तेरी आखरत तब्दील हो जावे। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह वीर सोनिया जदों मौत आती है उस बंदे नू
जड़ा बंदा गुनाहगार ते पापी है, जड़ा बंदा जनाबे वाला अल्लाह दियां हद्दां नूं तजावज करन वाला है, जड़ा बंदा गुरूर ते तकबर करन वाला है, ओ बंदा जिस बंदे ने अल्लाह नूं अल्लाह दियां ना फरमानियां कीतियां, ओ बंदा जिन्ने जनाबे वाला नमाजा ना पढ़िया, ओ बंदा जिन्ने रोजे ना रखे, ओ बंदा जिन्ने कियामुल लैल ना कीता, ओ बंदा जिन्ने अल्लाह दियां ना फरमानियां कीतियां, उन्हूं मौत किवें आनी है। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। गुनाहगार बंदे नूं मौत आन लगी, गुनाहगार बंदे नूं अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाह। गुनाहगार बंदा जदों दी मौत दा वक्त करीब आंदा है ना, मलकुल मौत आ जांदा है, जदों दे सामने आन के अल्फाज बोलदा है, या अय्या तुहन नफ्सुल खबीस, ऐ खबीस रूह पार निकलिया। जदों मलकुल मौत दे सामने आन के अल्फाज बोलदा है, बंदा हक्का ते बक्का रह जांदा है, बंदा परेशान हो जांदा है, बंदे दियां अखां खुलियां ते खुलियां रह जांदियां ने। तुसां अक्सर वेख्या होवेगा ना, जदों किसे नूं मौत आंदी है उंदियां अखां खुलियां ते खुलियां ही रह जांदियां ने। ओ सिर्फ जदों मौत जदों मलकुल मौत नूं वेंदा है उंदियां अखां उसे वेले ही हक्का बक्का हो जांदा है, अखां खुलियां दियां खुलियां रह जांदियां ने, मुंह खुले दा खुला ही रह जांदा है। इंसान खुदों दियां अखां बंद करदा है, पट्टी बन के जनाबे वाला उंदा मुंह बंद कीता जांदा है। वीर सोहणिया अल्लाह दियां ना फरमानियां ना करया कर, अल्लाह ने ते जनाबे वाला रमजान दा महीना तेरी मेरी जिंदगी दे अंदर लियांदा के तू मैनू मना लवे, तेरी मेरी सुलह हो जावे। वीर तू किवें दा बंदा है, तू रब नू मना ना सकिया, खुश नसीब वो बंदा जिन्हें रमजान के अंदर अल्लाह नू मना लिया, बद नसीब वो बंदा जिन्हें जिंदगी के अंदर रमजान आया ते अल्लाह नू ना मना सकिया। उस बंदे दे उते अल्लाह दी बिलानत है जिंदी जिंदगी के अंदर रमजान आया उन्हें रब नू मना ना लिया, उस बंदे दे अल्लाह दी लानत है जिंदी जिंदगी के अंदर रमजान आया उन्हें जनाबे वाला अल्लाह दे नाल सुलह ना की। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। मैं कोलो नहीं बात कर रहा, हदीस पाक दा मफहूम है ना, अल्लाहू अकबर अल्लाह। फरिश्ता आंदा है आके कहंदा है, या अय्या तुहन नफ्सुल खबीस, ए खबीस रूह नापाक रूह जिस्म दे विचों बाहर निकलिया। हदीस पाक दे विच आंदा है जदों मलकुल मौत उनू कहंदे है ना रूह नू के बाहर निकलिया, ओ जड़ी रूह हुंदी है जिस्म दे विच नठदी है, कदी इधर कदी सज्जे कदी खब्बे कदी थल्ले कदी उत्ते, कि मैं बाहर नहीं निकलना, कोशिश करदी है बचन दी। नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम फरमांदे ने कि जिस तरह खारदार कोई दरखत होवे ना, दरखत होवे जिवें एक मिसाल है किकर हुंदी है, उंदे उते कोई जनाबे वाला कपड़ा डालिया जाए, और जो कपड़े नु खिचिए ते कपड़े दे टुकड़े टुकड़े हो जांदी है, वो टुकड़े टुकड़े जिस तरह हुंदी है, ते खबीस बंदे दी मौत खबीस बंदे दी रूह जदों जिस्म दे विचों बाहर कढ़ी जांदी है ना, इसे तरह वो लीरा लीरा हो जांदी है, वो जनाबे वाला टुकड़े टुकड़े हो जांदी है, उंदी रूह जनाबे वाला जिस्म दे विचों बाहर कढ़ी जांदी है। एक बदबूदार टाट लैके आया जांदा है ना, उस बदबूदार जनाबे वाला टाट दे अंदर उस बंदे दी मई उस बंदे दी रूह नू लपेटिया जांदा है। इतनी गंदी बदबू उस बंदे दी रूह दे विचों आंदी है ना, किते जनाबे वाला सूत दियां बदबूआं आ रहियां ने, किते जनाह दियां बदबूआं आ रहियां ने, किते जनाबे वाला रिश्वत ते चोरी दियां बदबूआं आ रहियां ने, किते जनाबे वाला चोरी दियां बदबूआं आ रहियां ने, किते बेनमाज नमाजा ना पढ़न दियां बदबूआं आ रहियां ने, किते फहाशी ते हुरियानी दियां बदबूआं आ रहियां ने। जदों दी जनाबे वाला रूह नूं
गंदे टाट के अंदर लपेटिया जाता है। फरिश्ते इतनी बदबू आती है, वह फरिश्ता अगले फरिश्ते आती जनाबे वाला रूह फड़ा देता है, उन्होंने भी बदबू आती है। इस तरह अगले फरिश्ते फड़ा देता है, उन्होंने को इस बंदे की गंदी रूह चुकी नहीं जा रही, इतनी गंदी स्मैल इन आती है ना। फिर वह रूह आसमाना जा रही है, आसमाना जा रही है, हजे आसमाना पहुंची कोई नहीं, आसमाना गई कोई नहीं। आसमानी फरिश्ते कहते ने आपस के अंदर गल्ला करते ने, इतनी गंदी बदबू आ रही है, पता नहीं किस नपाक बंदे की रूह आ रही है। अल्लाह हू अकबर अल्लाह अल्लाह। जदों आसमाना ते उस बंदे की रूह चली जाती है, जिस वक्त आसमाना ते गंदे बंदे की रूह चली जाती है ना, अल्लाह हू अकबर अल्लाह अल्लाह। अल्लाह फरमाते ने मेरे फरिश्तियो इस बदबूदार रूह न मेरे कोल ना लेके आया जे, इस बदबू तो इस बदबूदार रूह न सिज्जीन के अंदर सुट दे। सिज्जीन एक जेल का नाम है, सिज्जीन एक किताब का नाम है, जिस किताब के अंदर बदबूदार ना फरमान रूहां नू सुटिया जाता है। सिज्जीन एक जेल का नाम है, जिंदे अंदर गंदियां ते बदबूदार रूहां नू सुटिया जाता है। इस गंदी ते नपाक रूह नू भी उंदे अंदर सुटिया जाता है। बोलो अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक सानू इस तरह की मौत दे कोलों महफूज फरमाए। हजरात आते होगी ना रूह ते डेड बॉडी ते जमीन ते बही है जी, रूह आसमाना ते चली गई है, डेड बॉडी चाइए आले पईए। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। रूह चली गई हुन डेड बॉडी दियां वारियां आ जांदियां ने। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। वीर सोनिया शेरो शारी वाली भी तकरीर आंदी है, लेकिन मैं चाहना है मैं तेरी सलाह कर दिया, मेरे मुंह दे विचों कोई ऐसा जुमला निकले तेरे दिल ते असर कर जाए, मेरे गुफ्तगू करन दा मुल पै जाए। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। अल्लाह दी कसमे मैनू तुहाडा बड़ा ही एहसास है, बाहरों खतीब आए वो शेर सुना के चला जाएगा, पैसे लैके चला जाएगा। मैं चाहना है मेरे मुंह दे विचों ऐसा लफ्ज़ निकले, मेरे चाचे ते बाबे, मेरे वीर ते मेरिया मावां ते पैना ते बेटियां दे दिल ते असर कर जाए। अल्लाह हू अकबर अल्लाह अल्लाह। रूह आसमाना ते चली गई, डेड बॉडी चाहिए आले पई है। अल्लाह हू अकबर अल्लाह अल्लाह। उस डेड बॉडी नू धोना गुसल देना शुरू कर देंदे ने। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। जदों गुसल दे दिता है, फटे दे उतों चुकिया ते चार पाई दे उते रख देंदे ने। ओ तेनू तिना चादरां विच ऐ तेरी औकात, ऐ मेरी औकात, क्यों गुरूर करना है, क्यों तकबर करना है। एवें कहना मैं चौधरी हाँ, मैं मालदार हाँ, मैं सरमायादार पार्टी हाँ। वीर सोनिया ना पैसा मौत को बचा सकता ही ना, ओदे मौत को बचा सकते नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। वो तेनू तिना चादर बेच लपेटन गे, लोकी आके मुंह तेरा वेखन गे, वो तेनू तीन चंद्रे देन गे ला बंदे आ। तिना चंद्रे का पता किनू आते नहीं, तिना गंडा नू तेनू तीन चंद्रे देन गे ओ ला बंदे आ, तेरा किसे नहीं हो लेना ना बंदिया। एवें करना है मेरी मेरी तू, होना एक दिन कब्र दी टेरी तू। ओ जेड़े कपड़े बदन उते पाए होए नी, ओ भी लेने ने तेरे ला बंदिया। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। फटे तो चुकया चार पाई दे उते तेनू मैनू लटा दिता जाएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। तेरे नाल प्यार करन वाली तेरी मां तेनू बेटा नहीं आखेगी, तेरे नाल प्यार करन वाली तेनू कंडा चुप जाए, मां दे सीने दे सट वज जांदी है। ओ मां ऐ नहीं कहेगी कि मेरा साजद, बल्कि उन्हें कहना है मैयत नू चुक के लै जाओ,
ओ तेरा नाम चौधरी तो मैयत बन जाएगा, ओ तेरा नाम वजीर तो मैयत बन जाएगा, तेरा नाम सदर तो मैयत बन जाएगा। अल्लाह हू अकबर अल्लाह अल्लाह। तेरे नाल प्यार करन वाला तेरा बाप तेनू कोई गाल कट के जाए ते जाए किथे। तेरा बाप कहंदा तेरी ऐसी दी तैसी, मेरे पुत्र नू गाल कड़ी हो जाएगा ते जाएगा किथे। बाप कहेगा जल्दी चार पाई चुको, मेहमाना नू लेट हो रही है, मेहमान लेट हो रहे ने, खाना ठंडा हो रहा है, मैयत नू चुक के ले जाओ। ओ बीवी जड़ी तेरे नाल प्यार कर दिए, मुहब्बत कर दिए, अल्लाहु अकबर अल्लाह। उस बीवी नू कई कई दिना तक तेरी चार पाई तो भी डर लगता रहेगा, तेरे जनाबे वाला चेहरे तो भी डर लगता रहेगा। ओ औलाद अबू अबू कहन वाले कहन के मैयत नू चुक के ले जाओ। मैयत जनाबे वाला चाहिए आले दे बाजार दे विचों गुजरदी पई है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। आका अलैहि सलातो वसलाम फरमांदे ने दुआ जनाबे वाला चीजा तो अलावा हर बंदे नू मैयत दी आवाज, मैयत दी आवाज सुनाई जांदी है। एक जिन ते एक इंसान, इन्हां तो अलावा परिंदियां नू चिरिंदियां नू जानवरां नू हर एक नू आवाज सुनाई जांदी है। कदी मैयत लैके जाएगा रस्ते दे अंदर कोई जनाबे वाला जानवर बजा होएगा, नपाक रूह जांदी होवेगी। नपाक रूह दे जनाबे वाला हदीसे पाक दे विच आंदा है, नपाक रूह रोला पांदी है, कुरलांदी है, वास्ते पांदी है, ओ जानवरों दी आवाज सुन के ते डर जांदा है। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। मैं नपाक रूह दा जनाबे वाला तज़किरा तुहाडे सामने रख रहा है। नपाक रूह रोंदी है, रोला पांदी है, कदी अपने बाप दे सामने, कदी अपनी मां दे सामने। मां नू पता ही नहीं रूह की कह रही है, बाप नू पता ही नहीं रूह की कह रही है। इनू जनाबे वाला कब्रस्तान दे अंदर लैके इनू दफना के लोकी वापस आ जांदे ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। ऐ नपाक रूह, अल्लाहु अकबर अल्लाह। शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल हलीम शरर रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, मैं ना एक दिन बच्चियां नू कारी साहब सबक पढ़ा रहा सा। शेखुल हदीस बहुत टॉप क्लास दे ने, जामिया मुहम्मदिया दे उकाड़ा दे बहुत पाए दे शेखुल हदीस ने। बड़ी अच्छी बात हूं मैं सुना लगा है। वो अपने बच्चों ना सबक पढ़ा रहे ने, तो एक बुजुर्ग आ जाता है। एक बुजुर्ग आ गया जनाबे वाला वडेरी जी उंदी उम्र आके कहन लगा, शेखुल हदीस साहब मेनू वुजू दा तरीका दसिया जाए, मेनू गुसल दा तरीका दसिया जाए, मेनू जनाबे वाला नमाज दा तरीका दसिया जाए। इन्नी गल सुनी ते बच्चे हसन लग पे। शेखुल हदीस साहब फरमांदे ने, बाबा जी पता जे बच्चे क्यों हस रहे ने? फरमाया तुसी दस दियो। शेखुल हदीस साहब फरमांदे ने, तुसा वुजू दा तरीका पुछया है, बच्चे इस वास्ते हस पे ने, सारी उम्र की कर दे रहे हो, सारी उम्र तुसा गुजार दिती, तुहानू गुसल दे तरीके दा कोई नहीं पता। हाय बदकिस्मती, अज मेरे मुआशरे दे अंदर भी ऐसे बुजुर्ग ने जिन्हां नू गुसल दे तरीके दा ही नहीं पता, जिन्हां नू पाकी न पाकी दा कोई नहीं पता। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। वुजू नहीं आउंदा, नमाज पढ़नी नहीं आउंदी, अल्लाहु अल्लाह अल्लाह। ते शेखुल हदीस साहब फरमांदे ने, बाबा जी बच्चे इस वास्ते ऐसे ने कि तुहानू जनाबे वाला नमाज दा तरीका नहीं आउंदा। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। बाबा जी की वजह है? बाबा जी फरमांदे ने, सारी उम्र गुनाह करता रहा, सारी उम्र जनाबे वाला एंजी गुजार दिती है, ना वुजू दा पता, ना गुसल दा पता, ना नमाज दा पता, ना वुजू दा पता, ना पाकी दा पता, ना नपाकी दा पता। मैं एक दिन, मेरे नाल ऐसा वाकया पेश आया, एक दिन ऐसा वाकया पेश आया, कारी साहब मैं गोरकन होया करना है। गोरकन पता किनू आंदे ने?
ਜਿਹੜਾ ਕਬਰਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਖੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਬਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੋਰਕਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਦੋ ਆਰਡਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਾਰਬ ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਫੋਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਖੁਡਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਬਰਾਂ ਖੋਦਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਬਰਾਂ ਖੋਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਬਰਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰਾ ਸਾਹ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਫਰਗ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ ਕਰੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਮਾਓ ਤੇ ਬਹਿਨੋ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਬਰਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਕੰਮ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਜਦੋਂ ਬੁਰਾ ਸਾਨਗੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਵੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਾਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਪਈ ਨਿਕਲਦੀ ਏ। ਖਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਪਈ ਨਿਕਲਦੀ ਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ ਜਿਤਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਾਏਦਾਰ ਪੌਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਖਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੰਡੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਜਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਈਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਈਤ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਉਹ ਕੰਨਾ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਰਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਇਸ ਕਬਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਈਤ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਐਬ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਏ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਸੀ, ਤਹੱਜਦ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਹਦੂਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਨਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੌਫ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਤੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੁਜ਼ੂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਸਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਰਾਹੇ ਰਾਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਮੋਹਤਰਮ ਦੋਸਤੋ ਭਾਈਓ, ਅਲ ਮੁਖਤਸਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਤ ਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮੋੜ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਏ, ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਾਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਸਮੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹਦੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਅਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ। ਕਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, ਕਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, ਕਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ।
का दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला क्या लेके आया बंदा क्या लेके जाएगा दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला इस जगदीश राई में मुसाफिर रहना दो दिन दा मुसाफिर रहना दो दिन दा मुसाफिर रहना दो दिन दा मुसाफिर खाली हाथ आया बंदा खाली हाथ आया बंदा खाली हाथ जाएगा खाली हाथ आया बंदा खाली हाथ जाएगा दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला अल्लाह पाक मेनू और तुहानू अमल करन दी तौफीक अता फरमाए वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।